एक बड़ी मजेदार प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों को होती है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ हो नहीं रहा। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, कुछ हो नहीं रहा। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में दो अलग अलग वर्ड हैं, एक है इनएक्टिविटी और दूसरा है स्टैग्नेशन। इनएक्टिविटी वो चीज है जब चीजें शांत हैं, पीसफुल है। स्टैग्नेशन वो है जब चीजें अटकी हुई हैं। अगर इस बात को और समझना है तो ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने किसी प्लांट का बीज, सीड जो है, उसको जमीन में गाड़ा। नाउ अगर आप देखें, जमीन के ऊपर कई दिनों तक, हो सकता है कुछ हफ्तों तक इनएक्टिविटी है, कुछ नहीं हो रहा है। जमीन के ऊपर अगर आप देखें, कोई आपको हलचल नहीं दिख रही है, सब शांत है। लेकिन अगर आप जमीन के नीचे देखें, जमीन के नीचे ये जो बीज है ये डेवलप हो रहा है, ये अपनी रूट्स जो है वो बिछा रहा है, ये प्रिपरेशन कर रहा है एक दिन इस जमीन में से निकल के एक बड़ा पेड़ बनने की। ये सीड जो है ना, ये स्टैग्नेशन में नहीं है। ये जो सीड है ये वर्क कर रहा है अंदर ही अंदर, उन चीजों पे जो अभी दुनिया को दिख नहीं रही है और शायद आगे भी नहीं दिखेगी। ये पेड़ हो सकता है बाद में जाके बहुत बड़ा पेड़ बन जाए, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब शुरू में इसने चुपचाप जमीन के नीचे रह के, बिना किसी को बताए, बिना अपने आप को दिखाए, अपनी रूट्स बनाई, अपनी एक नीचे मजबूत पकड़ बनाई। जब आप इनएक्टिविटी के फेज में होते हैं, दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू शुड बी डूइंग। अपनी रूट्स फैलाइए, अपनी जड़ें मजबूत कीजिए। बहुत सारे लोग इनएक्टिविटी से डरते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि इस फ्री टाइम में क्या करें। इनएक्टिविटी से मत डरिए। इनएक्टिविटी के टाइम पे जब आप बाहर का रूप अपना औरों को नहीं दिखा सकते, समय है अंदर काम करने के, अपनी नॉलेज पे काम करने का, अपने ब्रेन पे काम करने का, अपने इमोशन पे काम करने का, और अपनी जो जड़ें हैं, अपनी जो रूट्स हैं, उसको मजबूत करने का, ताकि जब समय आए एक्टिविटी का, जब समय आए जमीन में से पेड़ के बाहर निकलने का, तो वो स्ट्रोंग बन के निकले और आगे बहुत बड़ा पेड़ बनने की पोटेंशियल लेके निकले। अगर आप बिना जड़ बनाए किसी पौधे को ऐसे ही मिट्टी पे रख देंगे, हो सकता है रोज आपको उसमें कुछ ना कुछ चेंज दिखे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखे, लेकिन वो एक्टिविटी लंबे समय नहीं चलेगी क्योंकि जो अंदर हिडन काम होना था वो काम करने का मौका नहीं मिला। तो मैं अगेन आपको कह रहा हूं, ये रियलाइज कीजिए, आर यू इन अ फेज ऑफ इनएक्टिविटी और आर यू इन अ फेज ऑफ स्टैग्नेशन। अगर जमीन के अंदर जो बीज गया वो बिल्कुल डेड है, अपनी जड़ें नहीं बना रहा है, वो स्टैग्नेशन में है, वहां प्रॉब्लम है। लेकिन जमीन के नीचे जो बीज चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और अभी कुछ हफ्तों तक ऊपर नहीं आ रहा है, वो स्टैग्नेशन में नहीं है। ऊपर भले ही इनएक्टिविटी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है एक्टिविटी। तो इसी तरह से आप अपने समय को इवैल्यूएट करें, आर यू इन अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और आर यू इन अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन। अगर अभी आपके लाइफ में इनएक्टिविटी है, वर्क ऑन द थिंग्स विच आर इनविजिबल टू द वर्ल्ड, वर्क ऑन योर रूट्स, वर्क ऑन योर इनर सेल्फ, और जिस दिन मौका मिलेगा जमीन फाड़ के निकलिए और अपने आप को वर्ल्ड में डिक्लेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।